भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुंदर एवं सुनहरे इतिहास के पन्नों में सन 1952 एक ऐसा साल है जब महिला विंग पार्टी की एक महत्वपूर्ण अंग बनी। 1983 में इसे महिला कांग्रेस का नामकरण कर एक अलग इकाई के रूप में स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की सामग्री अतीतकालीन ऐतिहासिक तथ्य है जो इतिहास व वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। महिला कांग्रेस का इतिहास वो आईना है जिसके सामने खड़े होकर हम अतीत की खूबसूरत स्मृतियों के जरिए वर्तमान और भविष्य का प्रतिबिंब देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं का इतिहास भारत की मजबूत नींव एवं उसके उज्जवल भविष्य की सुंदर कल्पना है। भविष्य अतीत की नींव पर ठहरा हुआ है। कुछ ईंटें उस नींव की वर्तमान में रखो तो सुनहरा भविष्य दिखेगा। हमारी कोशिश इसमें रही है कि हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करें, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करें, महिलाओं को राजनीति में लाने में कुछ ताकत दें। इसीलिए पंचायती राज बिल में पूरा 30% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। हमारी उम्मीद है कि महिलाएं बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगी और इस एक शुरुआत से भारत के राजनीति में हर स्तर पर महिला भाग लेंगी, देश को बनाने में अपना हाथ लगाएंगी। अंकित है इतिहास पत्थरों पर जिनके अभियानों का, चरण चरण पर चिन्ह यहां मिलता जिनके बलिदानों का, गुंजित जिनके विजयनाद से हवा आज भी बोल रही, जिनके पदाघात से कंपित धरा अभी तक डोल रही। When the Constituent Assembly met to give shape to our Constitution, 15 distinguished women made notable contribution to it. Today, we proudly recall them. These 15 distinguished women were Sarojini Naidu, yes. Rajkumari Amrit Kaur, yes. Vijayalakshmi Pandit, Sucheta Kripalani, Hansa Mehta, Renuka Ray, Durgabai Deshmukh, Begum Ejaz Rasool, Purnima Banerjee, Ammu Swaminathan, Dakshayani Velayudan, Malati Chaudhary, Kamala Chaudhary, Leela Ray, Annie Mascarena.
Today, we also take pride in the fact that we have had a first and only woman Prime Minister, Indira Gandhi. We also take pride in the fact that we have had a first woman President, Pratibha Patil ji, and a first woman Speaker of the Lok Sabha, Meera Kumar ji.